सो हे गाइस, इज रहेगा वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पंजाबी व्लॉग्स। सो गाइस, एज यू ऑल नो, जो अपने पास बुलेट का भी जो प्रेजेंट सेटअप है वो मतलब एकदम जुगाड़ पे बेस्ड है कि जैसे मतलब जब मैं बुलेट चलाता हूँ तो मैं जो भी मेरे पीछे बैठते हैं मैं उनको ये पकड़ा देता हूँ, एंड जिस मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ मतलब ये मोबाइल इस ट्राइपॉड पे लगा करके जो मेरे पीछे बैठता है उसको पकड़ा देता हूँ। तो वीडियो रिकॉर्ड होती है वो होती है कुछ ऐसी। एंड गाइस, आज हम करने वाले हैं मतलब जुगाड़ इनटू 100। आपका कंटे तो क्रिंज इनटू 100 हो गया। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं मतलब इस सेटअप से थोड़ा अपग्रेड तो नहीं कह सकते, मतलब देसी जुगाड़ करने वाले हैं आज हम। गाइस, आज हम करने वाले हैं कि भाई जो अपने पास एक हेलमेट है उसमें मैंने मतलब यूट्यूब पे 3-4 वीडियोस देखी कि मतलब कैसे मैं जुगाड़ करके उस पर कुछ चिपका सकता हूँ। सो गाइस, देखते घर में मेरे पास क्या क्या अवेलेबल होता है, एंड अपन कुछ मतलब आज बहुत तगड़ा जुगाड़ बैठाने वाले हैं। सो पूरी वीडियो दिखाते हैं, अपन पापा की भी हेल्प लेंगे बिकॉज अकेला मैं सारी चीज़ें कर नहीं पाऊंगा। सो पहले ढूंढते घर में क्या क्या चीज़ अवेलेबल होती है। आई थिंक उसके लिए आपको मतलब 3-4 चीज़ें चाहिए होगी, सो मैं दिखाता हूँ आपको आगे। मेरे को ये सारी चीज़ें मतलब अपन को ज़रूरत पड़ेगी, इसकी तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाइज, मेन है ये सेल्फी स्टिक जिसका अपन ऊपर का पार्ट यूज़ लेंगे। गाइज, ये मैंने दो मंगाई है एम सील्स, आई थिंक ये 10-10 रुपये की है, ज़्यादा महंगी नहीं है। एंड गाइज, ये एक हेलमेट बिकॉज गाइज अपने बुलेट के साथ आया था वो मैं यूज़ करता हूँ, बट ये पड़ा था फ्री, सो मेरे को लगा इस पर आज कुछ कवाड़ा करेंगे अपन, मतलब जुगाड़ बैठाएंगे कि जो अपना ये वाला मोबाइल है इस पर अपन इस पार्ट पे इसको कैसे अटैच कर पाएंगे। सो आपको आगे दिखाते हैं पूरी वीडियो कैसे कैसे क्या क्या होता है। सो चलो भाई, अपने साथ पापा भी आ गए अपनी हेल्प कराने के लिए। अपन ने ले लिया है हेलमेट एंड पापा का चश्मा, ये रहे अपनी बाकी चीज़ें, ये कुछ चक्को अपन ने घर से जुगाड़ लिया ताकि अपन काटा पीटी कर पाए, और ये एम सील, और ये पता नहीं क्यों लाया था मैं, बस। सो अब स्टार्ट करते हैं, देखते पहले। आई थिंक गाइस, जो मैंने ट्राई करा था मैं आपको क्या हेलमेट पहन के दिखा देता हूँ। आई नो ये टूटा हुआ है, सॉरी, बट गाइस मेरे को लगा था कि अगर अपन ये वाला पार्ट इधर से कटआउट करके फिर यहाँ फिक्स करते हैं सो यहाँ पर मेरे को दिखने में प्रॉब्लम आएगी बिकॉज यहाँ मोबाइल लग जाएगा, सो मेरे को सामने की विजिबिलिटी और हो जाएगी। सो मैंने डिसाइड कराया कि अपन इसको ऐसे उल्टा फिक्स करेंगे यहाँ पर, मतलब ये पार्ट पूरा हटा देंगे इसमें से, बिकॉज आई नो सही है सेल्फी स्टिक खराब नहीं है बट अपन इसको खराब कर देंगे आज। तो अपन गाइस इसको यहाँ पर काट के इतना पार्ट को यहाँ पे चिपका देंगे, देन यहाँ मोबाइल रहेगा अपना, एंड अपन करेंगे एम सी से। तोड़ दिया गाइस हमने फाइनली, सेल्फी स्टिक खराब हो चुकी है। बने चाहे नहीं बने, कोई गारंटी नहीं है बट खराब तो हुई अब सेल्फी स्टिक हमारी। ये है अपनी एम सील, 10 रुपए का पैकेज, ज्यादा महंगा नहीं है, तो कबाड़ा तो ज़्यादा हो ही गया। एंड ये हेलमेट भी टूटा हुआ है गाइस, एज यू कैन सी यहाँ पर क्रैक आ रखा है इसके ग्लास पे, इसलिए मैं सारा कबाड़ा कर रहा हूँ। ऐसे नहीं आप महंगा सा हेलमेट लेकर उस पर सारा कबाड़ा करना शुरू कर दो। तीनों तरफ इस पे अपन पहले ढंग से कवर कर रहे हैं ताकि मेन चीज, बिकॉज इसी चीज पर ही मोबाइल फोल्ड होगा अपना। भाई आप देख सकते हो यहाँ पर ये अच्छी तरह चिपक गया है, आई थिंक। अब इस पे अपने पास एक और है, उसको अपन इससे थोड़ा Next morning. Guys, आप देख सकते हो ये यहाँ तक ड्राई हो चुका है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, सॉरी बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है ये, मतलब मेरे को तो नहीं लगता अब निकलेगा। फिनिश में इसको नहीं दे पाया था सो मैंने दो और मंगा लिया, सो मैं आई थिंक मैं एक ही यूज़ करूँगा एंड इसको पूरा एकदम फिनिशिंग दे दूंगा ताकि ये थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। अभी खाली देखने में अच्छा नहीं लग रहा, वैसे आई थिंक बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है, नो डाउट।
एंड देन उसके बाद जो अपनी क्लिप है वो अपन इस पे लाकर भी देख लेंगे। थोड़ा अब सही लग रहा है पहले देखने में, बिकॉज पहले तो बहुत ज़्यादा ही ऑड लग रहा था, बट अभी आई थिंक थोड़ा सही लग रहा है देखने में। आई नो थोड़े गैप्स रह गए हैं एंड मैंने इसको कोने में से लास्ट टाइम की तरह प्रेस इन कर दिया है एंड ये खाली लेयर इसलिए लगाई थी गाइस बिकॉज देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। फाइनली बहुत ही ज़्यादा इंतजार के बाद में ये जो अपना ऊपर का पन्ने का एक्स्ट्रा लेयर लगाया था ये भी सूख चुका है एंड अब फाइनली ये इस पर लगा के ट्राई करते हैं। एंड मैंने मेरा मोबाइल तो लगा हुआ है, ये है मम्मी का फ़ोन, सो वो ट्राई करेंगे इस पे लगाने का। पहले इसको जल्दी से इसको अटैच कर लेते हैं इस पर। As you can see, ये यहाँ पर अटैच हो चुका है, ये फाइनली ऐसा लुक आ रहा है इसका। एंड इस पर लगा के देख लेते हैं मोबाइल, अपना मोबाइल इस मोबाइल से थोड़ा भारी है बिकॉज ये थोड़ा छोटा वाला फोन है। एक बड़ा फोन है अपने पास ओप्पो का, सो मैं ओप्पो का फोन लगाऊंगा इस पे ताकि आपको ढंग से दिखे, बिकॉज ये पूरा ब्लैक ही ब्लैक हो गया है, दिख प्रॉपर नहीं रहा है। ये एक्स्ट्रा फोन पड़ा है गाइस, ये इस पे लगाते हैं बिकॉज मैं शूट करूंगा इस रेयर कैमरा से ही। सो दैट्स इट। अब गाइस आप देख सकते हो इसका प्रॉपर लुक कैसा आ रहा है। आई थिंक गाइस जो इसमें अपन ने जितनी मेहनत करी वो वर्थ इट लग रही है बिकॉज इसमें अपना मोबाइल अटैच हो गया है, हिल भी नहीं रहा है, बहुत सही लग रहा है गाइस मेरे को तो देखने में ये पूरा अपना देसी जुगाड़ सेटअप। एंड गाइस कमेंट्स में जरूर बताना कि ये देसी जुगाड़ आपको कैसा लगा। एंड गाइस इतनी मेहनत के लिए वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। गाइस इसकी जो फुटेज होगी वो आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में कि इससे फुटेज आखिर रिकॉर्ड हो कैसी रही है, बिकॉज गाइस ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ी बन चुकी है एंड अभी हो रही है बाहर धूप एंड मैं ये वीडियो बस अभी एडिट करके पोस्ट ही करने वाला हूँ। सो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखेगा कि इस सेटअप से वीडियो रिकॉर्ड हो कैसी रही है। अपन चलेंगे बुलेट पर बाहर, वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस ये वीडियो करते हैं अपन यहीं पर एंड। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।